आपको बिल्कुल मत लगाना। ले हाँ खेद है, खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। हाथ में जब हथकड़ी लगती है ना, तो ऐसे ही अच्छों अच्छों के सुर बदल जाते हैं। तो फिर ये श्रीकांत त्यागी क्या चीज है? उसका भी वही हाल हुआ जो बड़े से बड़े क्रिमिनल का पुलिस का डंडा पड़ते होता है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे गालियों से बात करने वाला त्यागी गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। कल तक सोसाइटी की जिस महिला को ये गाली देकर अपना रौब झाड़ रहा था, अब उसे ही अपनी बहन तक बोलने को तैयार है। हाँ खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन जैसी है। जितने स्पीड में गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने यू टर्न लेकर अपना ट्रैक बदला है, इतनी तेजी से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलते। फिलहाल इस श्रीकांत के बदले सुरों को देखकर तो यही लग रहा है कि कल को ये पैरों में गिरकर भी माफी मांगने को तैयार हो जाएगा। ये जनाब जितनी तेजी से उड़ान भर रहे थे, उतनी ही तेजी से पुलिस ने इनकी हवा फुस की है। इस बात का अंदाजा शायद श्रीकांत को तब नहीं था जब ये पूरी सोसाइटी के सामने खुल्लम खुल्ला महिला के साथ गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तब तो इनके सिर पर सत्ता का नशा सवार था, जो अब कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महिला से विवाद के इस मामले में नोएडा पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया था, जहां पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस की 12 टीमें उसके पीछे लगी थी, तब कहीं जाकर उसे गिरफ्तार किया जा सका और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।